भारत और आयरलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला डबलिन के द विलेज में खेला गया है, जिसमें भारत ने DLS के तहत 2 रनों से जीत दर्ज कर ली। सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली है। जसप्रीत बुमराह ने आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले T20 मैच में शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 2 विकेट झटके। बुमराह चोट की वजह से लंबे वक्त तक टीम इंडिया से बाहर थे, लेकिन अब वापसी के साथ ही घातक गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं। पूर्व भारतीय खिलाड़ी अभिषेक नायर ने बुमराह की तारीफ की है। उनका मानना है कि बुमराह बहुत अच्छी लय में है और ये टीम इंडिया के लिए सबसे अच्छी खबर है। बुमराह को एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया में जगह मिल सकती है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक अभिषेक ने कहा कि बुमराह की वापसी देखकर अच्छा लगा। आपने बुमराह का बेस्ट अभी नहीं देखा होगा, लेकिन उनके पास सभी तरह के वेरिएशन हैं। वो करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं। वो लय में लौट रहे हैं। वो ऑफ कटर, हार्ड लेंथ और यॉर्कर डालते हैं। ये देखकर लग रहा है कि वो लय हासिल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एक बात नोटिस करी है, उनका रनअप काफ़ी लंबा हो गया है। वो जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे, वो देखकर कह सकते हैं कि बहुत अच्छी लय में है। उनकी रफ्तार आगे मैच खेलने में मदद करेगी। कुल मिलाकर बात यह है कि बुमराह की वापसी से खुश हूँ। वो कप्तानी भी कर रहे हैं और गेंदबाजी भी कर रहे हैं। बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया है। उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए। उनको प्राइज मनी के तौर पर $500 का इनाम भी मिला है। साथ ही साथ बुमराह ने इस मुकाबले में एक दिलचस्प रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। वो T20 में बतौर कप्तान प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले 4थे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। दरअसल बुमराह T20 फॉर्मेट में बतौर कप्तान प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। बुमराह से पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली और सुरेश रैना ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही तमाम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स लाइफ।